हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए राजस्थान में जो प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र चल रहे हैं उनमें से हम आपको कक्षा 10वीं गणित का फुल सल्यूशन बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें upboard.live, तो वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं, कुछ निर्देश पढ़ लीजिए। यहाँ पर 3 निर्देश दिए हुए हैं। फिर इसके बाद इसमें आपको पूर्णांक 20 नंबर का ये आपका प्रश्न पत्र है कक्षा 10वीं गणित का। पहले हम फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन बताएंगे, फिर एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन कर कोष्टक में लिखें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, यदि द्विघात बहुपद x²-2x+4 के शून्य पी और क्यू हैं तो पी प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। दूसरा दिया हुआ, द्विघात बहुपद x²+4x-21 के शून्य क्या हैं। द्विघात बहुपद x²-6x+8 के शून्य क्या हैं। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। पांचवा दिया हुआ क्वेश्चन, यदि p और q एक द्विघात बहुपद ax²+bx+c के शून्य हैं तो p प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। छठा क्वेश्चन दिया हुआ, यदि p और q एक द्विघात बहुपद ax²+bx+c के शून्य हैं तो p इंटू क्यू का मान ज्ञात कीजिए। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ, द्विघात बहुपद x²-25 के शून्य क्या हैं। आठवां क्वेश्चन दिया हुआ, द्विघात बहुपद 3x²-x-4 के शून्य क्या हैं। नौवां दिया हुआ क्वेश्चन, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 4 और -4 हैं। दसवां क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 3 और -3 है। ग्यारहवां क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात समीकरण है। बारहवां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। तेरहवां क्वेश्चन दिया हुआ, द्विघात समीकरण x²-8x+12 को हल करें। चौदहवां क्वेश्चन दिया हुआ, द्विघात समीकरण x²-x-20 को हल करें। पंद्रहवां क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सोलहवां क्वेश्चन दिया हुआ, 420 और 130 का मात्रा समांतर LCF ज्ञात कीजिए। सत्रहवां क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, 210 और 55 का मात्रा समांतर LCF ज्ञात कीजिए। अठारहवां क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, 468 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या। 20वां क्वेश्चन 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पे डाउनलोड का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चार्ट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की, आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE NEET CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिया हुआ है, दो तार 12 मीटर और 16 मीटर लंबे तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक का उत्तर दिया हुआ है फ्रेंड्स, पहले का आंसर हो जाएगा p+q=2, फिर दूसरे का आंसर हो जाएगा, शून्य हो जाएंगे इसमें 3 और -7, फिर इसके बाद तीसरे का आंसर हो जाएगा 0.4, 2 आ नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे का आंसर हो जाएगा 2, पांचवे का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा -b/a। छठे का 7 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा c/a। सातवें का आंसर हो जाएगा 0.5, -5, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर इसके बाद आठवें नंबर का आंसर हो आ जाएगा 4/3, -1। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वें का आंसर आ जाएगा x²-16=0। दसवें दोस्तों दसवां क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसको नोट कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा x²-3x-3=0। ग्यारहवें का आंसर आ जाएगा x²-7x-8=-7x-8। बारहवें का 10 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। तेरहवें का आंसर आ जाएगा 6.2। चौदहवें का आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स -4.5। पंद्रहवें का आंसर आ जाएगा दोस्तों 5। सोलहवें का आंसर आ जाएगा 10। फिर इसके बाद अठारहवें का आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 2² × 3² × 13। आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वें का 10 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी इस प्रश्न पत्र की जानकारी प्राप्त हो जाए।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।